अभी रोड पे व्यक्ति क्या कर रहे हैं? अभी हम रिंगौड़ा से थोड़ा सा आगे निकले और जाम देख सकते हैं आप। अब यहाँ आने वाला है पनौत नाला। रात के टाइम हाथी के ऊपर बैठकर फॉरेस्ट टीम ने सर्च किया था काफी, तो उनकी बॉडी तो नहीं मिल पाई थी। उस टाइम कपड़े और कुछ सामान मिला था बस। गाड़ी कहाँ से आ गई बीच में? लेकिन ये रियलिटी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, सामने सामने पंख फैला दिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोर की असली खूबसूरती। थोड़ा सा हमने गाड़ी बैक करी है, नहीं आ रहा ऊपर। ये देखिए कैसा हिला रहा है। तभी रोड पर, हाँ बहुत बढ़िया, उसी को देखने जा रहे हैं। भाई लोग हमें खुश होके बता रहे हैं कि टाइगर है। हल्की कर, हल्की कर, हल्की कर। कुछ था वहाँ, कर 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 कर, सीधी रहना। ये रास्ते में देख सकते हैं दोस्तों, सब हाथियों की लेज है। यहाँ पर रोड पे सब टहलते मिल जाते हैं। मिल गया तो भाई साहब भारी पड़ जाएगा। बस ये है कि सेफ्टी कार के अंदर है, लेकिन उसके सामने गाड़ी बैक करना बहुत टफ हो जाती है। कार में सबसे ज्यादा दिक्कत हाथी के साथ ही है। बस टाइगर के साथ कार में सेफ हो, बाइक में हाथी के सामने सेफ हो, क्योंकि वो जब मॉक चार्ज देता है ना, बहुत पूरे फुल स्पीड में ही देता है जी। मॉक चार्ज देगा वो पूरा पीछा पड़ जाएगा कम। अभी जैसे कि मैंने बताया पीछे हाथियों का पूरा ड्रॉपिंग गिरा हुआ था, लेकिन वो अभी का नहीं था। कौन सा वाला? ये देखिए दोस्तों, दहशत भरा पेड़, डरावना था बहुत ज्यादा। जड़ आ रही ना, जड़ पेड़ को ही खा जाएगी। हाँ देखते रहना, हाथी एकदम सडनली से मॉक करता है चार्ज तगड़ा। तो वेट करता है कि आप वहां तक पहुंचो, उसके पास छुपा रहता है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हमें नहीं दिख रहा होगा। एकदम सडनली आता है। एक तो यार उसका कलर ऐसा है ना, दिखता ही नहीं है रात में तो बिल्कुल भी, भी। पीला अब हाँ यार, कम से कम टैक्सी वाला कलर तो लगा देते। रेडियम होना चाहिए था उसका। हाँ रेडियम टाइप का कुछ होना चाहिए ना, वो बिल्कुल डल ग्रे कलर होता है ना, तो एकदम सडनली दिखता भी नहीं है और एकदम सामने आ जाता है। जैसे वहाँ नहीं हुआ था पवलगढ़ में, उस दिन आ गया था कार के आगे एकदम ये कार और ये सामने हाथी खड़ा हुआ, फटाफट बैक करी। दोस्तों वहां कुछ भी नहीं था, पीछे बैक करने में सबसे टफ ये है क्योंकि अंधेरा, घनघोर अंधेरा जी। रोड जरा सी पतली हुई, आपकी दिक्कत आ जाएगी फिर। वो तो सडनली एकदम मैंने देख लिया, हमारे छोटे भाई ने सडनली गाड़ी रोकी। गाड़ी तभी, मैं हमेशा हल्की ही चलाते हैं हम, इसलिए कम से कम दिख जाता है कोई भी जानवर हो। 40 किलोमीटर की स्पीड रखोगे तो बेस्ट है वो, आपके लिए भी और जानवर के लिए भी और हर किसी के लिए। अभी तो 20 चल रही है, अभी तो 20 की स्पीड है जी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही खतरनाक जंगल का इलाका है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेते, इसलिए गाड़ी हल्की चला रहे हैं। थोड़ी सी देरी से ही, कोई दिक्कत नहीं है, आज सेम टाइम हो जाएगा क्योंकि हम तो सेफ है, लेकिन जानवर को भी सेफ रखना है हमें। हाथी वाला, आज भी हाथी वाला टाइम हो जाएगा सेम। हाँ यार, अब वो पवलगढ़ के जंगल में होने वाला है, क्या है पता नहीं, सस्पेंस है भैया, हमारे लिए भी आपके लिए भी दोस्तों, क्योंकि आज पूरा दिन भर हो गया है हमें। हम गए थे पूरा लगभग मरचुला तक, वो सॉरी मरचुला से पहले वुहान से आगे, और काफी कुछ मिला हमें। जाते हुए तो नहीं मिला, जाते हुए सिर्फ हिरन मिले थे, स्पॉटेड डियर। आते हुए हमें मिले मोर, वो भी नाचते हुए, तो दिन और दिल दोनों खुश कर दिया जी। जिन्होंने नहीं देखा है तो उस व्लॉग को जरूर देख लें। हाँ उस व्लॉग को देख लें, क्योंकि हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हमने पहले बोला था। वो लगभग डे का हो गया, इवनिंग में हम यहाँ आ गए ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के हम तो पूरा भंडार पानी तक आ गए जी, भंडार पानी गेट, क्योंकि सीतामढ़ी जोन की ओर पूरा मुड़ता है अंदर, जहाँ से वहाँ तक आ गए हैं। टोटल इलाका जी कुछ भी निकल सकता है, टाइगर लेपर्ड, लेपर्ड भी बहुत दिनों से नहीं देखा, वही मिल जाए वही बहुत है। लेपर्ड की खूबसूरती बहुत है, बहुत गजब का। टाइगर की खूबसूरती अलग, लेपर्ड की अलग। एलिफेंट नहीं मिलना चाहिए। हाँ एलिफेंट ना मिले तो अच्छा भैया, क्योंकि तो वो उल्टा दौड़ा देगा तुम्हें। तो दोस्तों जैसे कि जितनी गाड़ियां निकलनी थी निकल गई,
जितनी गाड़ी निकलना थी निकल चुकी है, ना वहां से कोई गाड़ी आ रही है ना हमारे पीछे से कोई जा रही है, तो लगभग क्लोजिंग टाइम हो जाता है पूरा। 7 बजे होंगे 6:30 बजे होंगे लगभग। ये देखिए एक गाड़ी आई है अब बहुत देर में, इसका मतलब हाथी नहीं है। हाथी नहीं है तो अच्छी बात है भैया, बता दो कैसे पता चला। तो दोस्तों अगर आप नए हैं और जंगल में आ गए हैं ऐसे जंगल में और जहाँ हाथी है, सिचुएशन संभालने का एक ही तरीका है जैसे कि ये है सामने। कैसे जो कंफर्म करने का तरीका यह था कि गाड़ी आ गई है, गाड़ी आई मतलब रोड पर हाथी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चला के चलना पड़ता है, अपना इजिली अपना निकल सकते हैं आप जंगल से। जैसे कि हमारे छोटे भाई बता रहे हैं कि जंगल में आप सफारी करने आए या फिर यहाँ जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं अपना ऐसे भी आए तो अपने आंखें नाक और कान सब सेंस पूरा ओके रखिए अपना। जैसे हमने अभी सूंघा, गंदी स्मेल आई थी तो आपको बताया भी हमने कि यहाँ बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, इसका मतलब हो सकता है लेपर्ड या टाइगर ने अपना शिकार छोड़ा हो। जाहिर सी बात है जंगल है तो जानवर होगा यहाँ पर जो खाया गया हो, डियर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो उसकी स्मेल हमें आई। ये हो गया नाक का फंक्शन अपना पूरा। यहाँ हमें पता लगा कि टाइगर हो सकता है या आएगा, हो सकता है पानी पीने गया हो शिकार छोड़ के अपना। और कान इसलिए खुले रखने, अभी आपको जैसे हमने बताया था बर्ड्स की बहुत सारी तेज आवाज आ रही थी और मोर की आपने आवाज सुनी बहुत तेज ज्यादा बोल रहा था वो, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज की का एक पर्पस हो। दूसरा पर्पस ये है कि टाइगर को देख के भी कॉल करते हैं, चाहे पक्षी हो या मतलब जैसे बंदर हो या हिरन हो, सबके अलार्म कॉल होती है, सबका अपना अपना एक संदेशा भेजने का होता है। वहां लाइट जल्दी थी ना आ गया आंखें बैक कर कुछ था वहां, देखते हैं दोस्तों देखते हैं क्या है वहां अंदर आंखों की लाइट आ रही थी ना, देख कुछ है पता नहीं क्या यार, दो आंखें दिखी थी मुझे बस आंखें चमकती है लाइट से और क्या चमकता है यहाँ। चलो रेडियम थोड़ी ना, यहाँ कुछ नहीं है, ये तो जंगल है, कुछ हरा चमका था ना। चलिए दोस्तों कुछ नहीं था, पता नहीं क्या था, जो भी था तो, लेकिन सडनली एकदम चमकी आंखें। भाई साहब को देखो रात में जा रहे हैं, हिम्मत और मजबूरी, हो सकता है शहर गए हों काम से, मतलब रामनगर और पाठकोट के होंगे, गांव पड़ता है पूरा, अभी बहुत दूर जाना है इनको दोस्तों, तो ये पहाड़ी जीवन और ये खतरे वाला जीवन है, लोग इसको खेल समझ लेते हैं। तो दोस्तों बस अब बांगा जाला से आगे आ गए हम, अब आएगा थोड़ी देर में ग्रासलैंड, एक बार टाइगर यहाँ देखा गया था, अगर मुझे वो वीडियो मिली मैं दिखाऊंगा जरूर, जो भी बैंड आया था यहाँ पर टाइगर देखा गया था, क्योंकि सीधे हाथ पर रिवर है बांगाजाला रिवर जो कि कोसी में जाके मिलती है आगे, वो अगर ज्वाइन देखना है आपको जहाँ मर्ज होती है, वो हमारे गणेश भाई ने बताया था, वो ब्लॉग आप देख सकते हैं, सीतावनी करके कुछ है उस ब्लॉग में है, वो डे ब्लॉग है वो। फिलहाल अभी ये इवनिंग था और इवनिंग से अब लगभग नाइट में कन्वर्ट होने वाला है दोस्तों, ये पहले हमने डे ब्लॉग दिखाया आपको पूरा और ये अब इवनिंग और ये आ गया ट्रक आ गया, इसका मतलब कोई हाथी नहीं है दोस्तों, राहत की सांस ले सकता हूँ मैं थोड़ी, ये कंफर्मेशन हो जाता है। और ये अच्छा रूल है, जो ट्रक वाले होते हैं ये अलर्ट कर देते हैं जब कोई सा भी गाड़ी वाला होगा, अगर वो मदद करने वाला बंदा होगा वो जरूर बताएगा,
जैसा हमें उस दिन बताया, एक ट्रक आया था उसने बताया कि हाथी अभी साइड हो चुके हैं, जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि वो मस्त मौला रहते हैं एकदम, हाथी चढ़ते रहते हैं, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, इसलिए हम तो उनसे दूर हो गए थे, लगभग 300-400 मीटर दूर कर दी थी गाड़ी बैक करके। और जब उन्होंने कंफर्मेशन दिया हमें कि हाँ हाथी अभी रोड पर नहीं है, साइड हो चुके हैं, तो हम फटाफट निकले। लेकिन बस जहाँ से हाथियों का डर था कि हाँ आसपास है हाथी, सडनली एक हाथी ऊपर को आने लग गया था, लेकिन हमारी गाड़ी क्रॉस कर चुकी थी, हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा जी, भाग गए घर को। हाँ इतना यहाँ राइट हैंड साइड से ऐसे निकला था, वो पवलगढ़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ की नहीं है, जहाँ जाएंगे, जहाँ अभी हम जाने वाले हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं बांगाजाला से आगे आ चुके हैं, ग्रासलैंड पहुंचेंगे और देखेंगे, हो सकता है डियर्स आ गए हो, टाइमिंग यही है, चढ़ते हैं वो रात में भी चढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, काफी बार हमारे गणेश भाई ने दिखाया है, जब कोई काम पड़ता है उनको पाटकोट से तब, अदरवाइज इवनिंग में तो हम इधर आए थे। खैर अब वापसी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कार में, हम जंगल में जब भी चले तो कार वार जो भी आए उनका रिस्पॉन्स समझे, बस तभी तो मैंने बोला कि आँख खुली रखनी है, नाक बिल्कुल अलर्ट रखनी है एकदम सूंघने के लिए। वो देखिए खत्म ही हो गई, हाँ बात तीसरी चल रही थी ना, एक तो सूंघने का बता दिया हमने कि आसपास कोई भी गंदी स्मेल, इसने क्या करा पता नहीं, हाथ दे रहा था पता नहीं क्या कर, चलो हाथ दिखा कर कुछ बात कर रहा होगा। फिलहाल हम अपना क्या नाम है अलर्ट रहेंगे, अब जैसे कि ये बाइक वाला है, हो सकता है कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन रोक के कह सकते थे, हाथ हाथ ऐसे ऐसे करके देना पड़ता है ना, हम तो रोक के बता देते हैं दोस्तों कि आगे हाथी है टाइगर है जो भी है, अलर्ट होके चलता है बंदा फिर। हाँ तो जैसे अभी हमें स्मेल आई थी गंदी, वो हमारी नाक ने फंक्शन करा अपना, सही था। दूसरा पॉइंट, कान खुले रखने, क्यों टाइगर कॉल, टाइगर आसपास है आपको ऐसा पता लगेगा कि टाइगर कॉल होगी, जानवर जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं अपनी 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 आवाज में, मंकी अलग अलग अलर्ट करता है डियर को, डियर अलर्ट करता है अपने पूरे ग्रुप को, तो आपस में सब अलार्म कॉल देने लगते हैं, तो इससे पता लगता है कि आसपास टाइगर है आपके। ये सब हम भी बता रहे हैं, आप सफारी में जाएंगे तब भी आपको ये यही बात सुनने को मिलेगी, तो हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो, आप सफारी का प्लान कर रहे हो, तो ये चीज से बिल्कुल अलर्ट हो के जाए, सफारी का अलग ही मजा आएगा दोस्तों फिर। अब हाँ कुछ होते हैं, हमने देखा बातचीत में लगे रहते हैं, लेकिन बातचीत करने नहीं, आप सफारी पर आए तो पूरा वाइल्ड लाइफ का मजा लें, जंगल का मजा ले जी, शहर की दुनिया हमें पता है पूरा व्यस्त रहता है इंसान, लेकिन यहाँ आए हैं तो अपना पूरा एंजॉय करें। जैसे ये लोग आए हैं देहरादून से आए, ये जो अभी कार गई देहरादून की थी, और भाई ने सनरूफ ओपन कर रखा था, भाई बाहर निकल के बिल्कुल फ्रेश एयर ले रहे थे, लेकिन तेंदुआ ऐसे में करे तो करे क्या, तेंदुआ बैठता है पेड़ों पर, और ये खास वाओ, ये तो खास इलाके में बिल्कुल तेंदुए के इलाके में बैठे हुए थे भाई साहब, ये देखिए ये जो टेरिटरी है तेंदुए की, ये सब पेड़ों पे, एक बार हमें तेंदुआ उस पेड़ पे मिला था, वो सामने पेड़ है, कहेंगे वो आइए जामुन का यहाँ मिला था, तो चलो वो तो गलती कर रहे हैं। खैर अब जो भी मतलब लोग हैं हमारे, हमसे जुड़े हुए हैं, दिल्ली से है, बाहर शहर से, कहीं से भी, कोई से भी स्टेट से है, अगर आप जंगल कहीं भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आए, क्योंकि आप हो सकता दूर पड़े, नेशनल पार्क तो काफी जगह काफी स्टेट्स में है, जहां भी जाएंगे आपको सब जगह यही चीज दोहरानी है दोस्तों, कि हर जगह अलर्ट रहना है और आपको वाइल्ड लाइफ का पूरा मजा लेना है, यहाँ का जंगल, हवा, खुशबू, हवा की सॉरी हवा में जो एक अलग ही खुशबू होती है, यही है अपना सेंस, अपना ओके रखें और चलते रहें और एंजॉय करते रहें जैसे हम कर रहे हैं। आंखों का फंक्शन रह गया, सॉरी आंखों का क्या ही बताना, आंखें तो सब कुछ देखती हैं, वो देखते हुए चलना है आसपास कि क्या हलचल हो रही है क्या नहीं, अगर आपको डियर्स बहुत सारे दौड़ते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कॉल भी नहीं करी है, कॉल कर दियो पहले, आप उस टाइम पहुंचो जब वो दौड़ रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो या फिर आसपास दौड़ रहे हो, तो हो सकता है टाइगर हो, वो भी शिकार करने के उसमें शिकार कर रहा होगा, तो डियर दौड़ते हुए मिलेंगे आपको, तो
अपना पूरा अलर्ट रहने का है तरीका। ये देख सकते हैं पेड़ कैसे झुके हुए हैं, इन्हीं में लेपर्ड बैठ जाता है, क्योंकि लेपर्ड ऊपर से ही बैठ के शिकार ढूंढता है। जब उसे शिकार दिखता है तो वो शिकार करके फिर उसी पेड़ पे या फिर अदरवाइज दूसरे पेड़ों पर, इनमें से किसी पेड़ पे बैठ के शिकार खा सकता है। वो शिकार इसलिए पेड़ पर खाता है, देखिए कितना खौफनाक लग रहा है। यहीं पर ही वो लोग जो भाई लोग थे खड़े थे, तो देखिए कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। दिन में बस इंसान लगता है कि सेफ है, और रात में किसी को कह देंगे यहाँ खड़े हो जाओ तो कोई नहीं हो पाएगा, किसी की बस की नहीं है जी। और ये है एरिया वो जहाँ से बाघिन निकली थी, इस एरिया से। भाई मजाक समझ रहे थे, आप लोग वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा देखने को। हिरन 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 कहाँ है भाई, बहुत हिरन है। और दोस्तों डियर्स मिल चुके हैं,